कांग्रेस जब से बनी है, 100 साल से ज़्यादा कांग्रेस को बने हो गए, लेकिन इससे बुरा दौर कांग्रेस ने कभी नहीं देखा। संकट की घड़ी और संकट का पैमाना इतना ज़्यादा है, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है क्या करें। कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है, कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के पास कोई दिशा नहीं है। सारी कांग्रेस देख रही है कि कौन अध्यक्ष होगा। संसद में कांग्रेस ने अधीर रंजन बंगाल से सांसद हैं, उन्हें अपना नेता बनाया, जबकि सभी का अंदाज था कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह पर राहुल गांधी खुद होंगे, क्योंकि मुकाबला करना है नरेंद्र मोदी से, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने ये चुनाव बहुत बड़े बहुमत से जीता है। कांग्रेस को उन्होंने एक कोने में खदेड़ दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी ने अपना त्यागपत्र दे दिया दूसरे दिन। पहले दिन उन्होंने लोगों की बातें सुनी और हालत यहाँ तक हो गई कि पूरी वर्किंग कमेटी के जो मुखर सदस्य थे, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर, कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के ऊपर, कैंपेन करने वालों के ऊपर या पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए, और शायद राहुल गांधी को ये पसंद नहीं आया। तब राहुल गांधी ने ये फैसला लिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहेंगे, पार्टी किसी और को अध्यक्ष चुन ले। अब तक कांग्रेस पार्टी का मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी हुआ करते थे, उसमें एक नया इजाफा हुआ है, वो इजाफा है प्रियंका गांधी का, यानी राहुल गांधी की बहन का। प्रियंका के बारे में देश में लोगों को लगता था कि प्रियंका गांधी आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और प्रियंका गांधी लोगों को अपनी वाक शैली से सम्मोहित कर लेंगी और उन्हें मोदी के खिलाफ करने में बड़ा रोल प्ले करेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्या कोई पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती है या उसके वोट कम होते हैं तो क्या वो रणछोड़ बन जाती है? क्या वो मैदान छोड़ देती है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को निराश छोड़ देती है? अच्छा ये होता कि राहुल गांधी अध्यक्ष होते और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए सिरे से उत्साह भरते और उन सब लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करते जो पिछले दिनों कांग्रेस से दूर चले गए, कांग्रेस छोड़ के चले गए, या पुराने कांग्रेस के लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं, लाइक माइंडेड पार्टियों में, उन्हें वापस लाने की कोशिश करते, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल का इतिहास या 15 साल का इतिहास ये बताता है कि राहुल गांधी इस देश में जब रुकते हैं तो थोड़े दिनों में उनका मन ऊब जाता है और वो विदेश चले जाते हैं। उन्हें हिंदुस्तान के दोस्तों से ज़्यादा विदेश के दोस्त शायद पसंद हैं। वो विदेश में जाते हैं, किसी को नहीं मालूम क्या करते हैं, शायद वो अपनी थकान उतारते होंगे या दोस्तों से मिलकर के कुछ ताकत लेते होंगे, विचार विमर्श करते होंगे, रणनीति बनाते होंगे, पर उसका असर अब तक तो दिखाई नहीं दिया। इस चुनाव में शुरू के 15 दिन ऐसा लगा था कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में कुछ तर्क शक्ति हासिल की है, लेकिन बाद में वो भी नहीं लगा। अब हालत ये है कि कार्यकर्ता देख रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। पहले अंदाज था कि राहुल गांधी जब सब लोग ये कहेंगे कि आप इस्तीफा वापस ले लीजिए तो इस्तीफा वापस ले लेंगे, और पहले ये भी अंदाज था जो कांग्रेस को जानते हैं कि शायद राहुल गांधी ने इसलिए इस्तीफा दिया है कि जिन लोगों ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी की रणनीति के ऊपर, उनके दफ्तर के ऊपर सवाल उठाए थे, उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि बिना राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के, यानी बिना गांधी परिवार के, कांग्रेस चल ही नहीं सकती। कांग्रेस नहीं चल सकती मतलब कांग्रेस के किसी दूसरे नेता में आज ये ताकत नहीं है, उनकी वो तस्वीर नहीं है, उनमें वो तरीका नहीं है कि वो कहीं जाएं और उनके लिए 50,000 की भी भीड़ इकट्ठी हो जाए।
कम से कम गांधी परिवार के लोग जहां जाएंगे वहां 20 से लेकर 50,000 की भीड़ हो जाएगी, ऐसा आम तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरोसा है। क्या यही इम्तहान राहुल गांधी अपने कांग्रेस के बाकी नेताओं का ले रहे हैं कि ये सब गिड़गिड़ाएं और वो फिर कांग्रेस अध्यक्ष बने? अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला पार्टी करेगी। पार्टी का मतलब कौन? श्रीमती सोनिया गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी? क्या राहुल गांधी उस फैसले में शामिल नहीं होंगे? हालांकि राहुल गांधी ने ये कहा है कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं से कि आप लोग जिसे भी नया अध्यक्ष चुनेंगे मैं उसका साथ दूंगा, और जो मेहनत मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते करता उससे चौगुनी मेहनत मैं पार्टी को खड़ी करने के लिए करूँगा। मैं हर उस जगह पर जाऊँगा जहाँ नए कांग्रेस अध्यक्ष चाहेंगे। लेकिन राहुल गांधी की इस बात के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि हर एक को डर लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी के लिए किसी का नाम बढ़ाएगा या अपना नाम बढ़ाएगा तो उसे बहुत थोड़े दिनों के लिए कांग्रेस में रहने का फिर अवसर मिलेगा। किसी न किसी तरीके से उसे कांग्रेस से निकलना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, ये डर है पूरे कांग्रेस के नेताओं में। और कांग्रेस के कितने ऐसे नेता हैं जिनमें ये क्षमता है कि वो पार्टी चला सकें, धन इकट्ठा कर सकें, नए लोगों को तैयार कर सकें? पिछले 60 सालों में कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है और उन्हीं के सहारे उसने अपनी उपस्थिति विधानसभाओं और लोकसभा में बनाए रखी है। तब कौन अध्यक्ष होगा? राजस्थान से बुलाया गया सचिन पायलट को और उनसे सोनिया जी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि आप कांग्रेस अध्यक्ष बन जाइए। सचिन पायलट ने उनसे कहा कि अगर मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनता हूं राजस्थान की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि तब विधायक अशोक गहलोत के साथ नहीं रह पाएंगे। दूसरी तरफ अशोक गहलोत सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी रहें और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे। मतलब अब दिल्ली से कांग्रेस का दफ्तर नहीं चलेगा, 24 अकबर रोड से कांग्रेस का दफ्तर नहीं चलेगा अगर अशोक गहलोत की ये शर्त सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मान लेते हैं या कांग्रेस पार्टी मान लेती है, तो कांग्रेस अध्यक्ष का ऑफिस जयपुर चला जाएगा, यानी हिंदुस्तान के एक कोने में। और तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। कैसे, कम से कम मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष का कर्तव्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्दों में पार्टी को निराशा से निकालना है, और निराशा का कर्तव्य ही नेता का कर्तव्य है। अशोक गहलोत वो आज की तारीख में नहीं कर सकते। तब कौन अध्यक्ष बनेगा? सिर्फ दो व्यक्तियों के ऊपर संभावना है जिसमें से एक कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया नहीं जाएगा, उनका नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह इस समय कांग्रेस में अकेले ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। वो उत्तर भारत के कम से कम और दक्षिण भारत के आंध्र और कर्नाटक के नेताओं को जानते हैं और वो कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, उनमें वो जीवट है। लेकिन उन्हें कांग्रेस के नेता अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। दूसरा नाम पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का है। सबसे पहले ये बात हुई थी, और पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैंने ठीक एक महीने पहले आपसे दो नाम लिए थे कि अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, और अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो उनकी पत्नी पंजाब की मुख्यमंत्री होंगी। ये बातचीत कांग्रेस के आलाकमान के बीच में हुई है। एक महीने के बाद ये सवाल नए सिरे से सामने आया है, और उस समय किसी ने मेरी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। अब आवश्यकता है कि अशोक गहलोत की जगह सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएं।
लेकिन वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो, उन लोगों ने एक नई तरकीब निकाली है कि तब फिर क्यों नहीं सोनिया गांधी ही पुनः अध्यक्ष बन जाएं कांग्रेस के। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होगी। सोनिया जी की तबीयत खराब है, सोनिया जी की एक उम्र भी हो चुकी है, वो चुनाव में नहीं जा पाई। चुनाव में गई तो बनारस में उन्हें बेहोशी की हालत में हो गई थी और उन्हें दिल्ली लाना पड़ा था, तो कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी करेंगे? कांग्रेस पार्टी खड़ी करने के लिए एक नई तरह की इच्छा शक्ति, एक तरीके के नए जीवट की आवश्यकता है। हर कार्यकर्ता को खड़ा होकर के अपना रोल निभाना होगा। राज्यों में संगठन नहीं है, उत्तर प्रदेश इसका पहला उदाहरण है। जाने कितने दिनों से बात चल रही कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अध्यक्ष हो, ठाकुर अध्यक्ष हो, अभी भी जातियों के आसपास हैं। लेकिन अगर व्यक्तियों के ऊपर देखें तो सबसे आगे नाम संजय सिंह का है कि संजय सिंह को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। शायद प्रियंका गांधी ने संजय सिंह से इसके बारे में बात भी की, लेकिन साफ बात नहीं की, सिर्फ टटोला। प्रियंका गांधी ने एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष, हारे और जीते विधायक, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके लोग, उन सबको बुला के फिर से एक बार अलग अलग 3 दिनों तक बातचीत की। और उन 3 दिनों में ये साफ हुआ कि संजय सिंह को ही कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाना चाहिए। पर बीच में प्रमोद तिवारी आ गए हैं। प्रमोद तिवारी क्या बनेंगे, क्योंकि संसद विधानसभा में तो कांग्रेस के लोगों की संख्या है ही नहीं। तो फिर प्रमोद तिवारी को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, संजय सिंह पूर्ण अध्यक्ष हों और ये दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को खड़ा करें। पर सिर्फ उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, राजस्थान का भी सवाल है, मध्य प्रदेश का भी सवाल है। राजस्थान में कोई नहीं जानता ये सरकार कब तक चलेगी, कब गिर जाएगी, क्योंकि अमित शाह की रणनीति में कम से कम उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बने रहने देना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो सकता है। और मध्य प्रदेश से खबरें आने लगी हैं कि कमलनाथ अपनी सरकार बचाए रखने के लिए एक नई पार्टी बना सकते हैं, यानी कांग्रेस की मौजूदा पार्टी वो बदल देंगे और एक नई पार्टी का रूप हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आज सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए पुरानी कांग्रेस के साथ कोई जाएगा नहीं। ये हवा में बातें कहाँ से आ रही हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ही हवा में बातें फेंक रही है टटोलने के लिए। उत्तर भारत में कांग्रेस का खड़ा होना अति आवश्यक है। और फिर यक्ष प्रश्न, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, दिल्ली में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस को इस पीड़ा से, कांग्रेस को इस आत्मघाती दर्द से, कांग्रेस को इस भ्रम से, एक एगोनी है, इससे निकालने की जिम्मेदारी उठा सके उसे ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। पर किसी को तो अध्यक्ष बनना चाहिए। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक चुनाव में हार के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी पूरी तरह पैरालाइज हो गई हो। अखिलेश यादव भी हारे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ममता बनर्जी भी हारी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि मैं अब चाहती हूँ कि कोई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, पार्टी में वैक्यूम नहीं है। कांग्रेस में तो टोटल वैक्यूम है। क्या कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस वर्कर की इस मनोदशा को समझ के, अपनी मनोदशा को या अपने दर्द को छिपाकर उस विष को पीने के लिए तैयार हैं जिस विष को पीने की आज इतिहास ने उनके सामने अपॉर्चुनिटी रखी है कि वो उस विष को पिएं, लोगों के ताने झेलें, लोगों का विरोध सहन करें और कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ा करें, या फिर जल्दी से जल्दी नए कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का फैसला करें, चाहे वो फिर अशोक गहलोत हों, दिग्विजय सिंह हों या श्री अमरेंद्र सिंह हों, कैप्टन अमरेंद्र सिंह। फैसला तो करना पड़ेगा और फैसले की घड़ी आ गई है। अगर अभी भी फैसला नहीं करते हैं तो ये निश्चित मानिए कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग
भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलने में कोई संकोच नहीं करेगा, क्योंकि आज की तारीख में विचारधारा नाम की चीज़ समाप्त हो चुकी है।